जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बालाजी महाराज, जय बालाजी महाराज। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, एकदम मस्त ना। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है, मैं था अभी कुछ 6 तारीख को मैं था मुजफ्फरनगर, जहां पर निकली थी बालाजी की शोभा यात्रा, बहुत बड़ी शोभा यात्रा, और इतनी बड़ी शोभा यात्रा कि शायद उसका नाम एशिया में आता है। इतनी बड़ी शोभा यात्रा और इतनी लंबी शोभा यात्रा कोई भी नहीं चलती। देखो दोस्तों, मैं मेरठ में रहता हूँ और हमारे मेरठ का नाम ना यात्रा में, शोभा यात्रा में नंबर 1 पे आता है कि इतनी ज्यादा यात्रा कहीं नहीं निकलती जितनी ज्यादा यात्रा आपकी मेरठ में निकलती है। लेकिन मुजफ्फरनगर जाने के बाद मुझको एहसास हुआ कि हमारे यहाँ तो यात्रा कुछ भी नहीं निकलती। जो यात्रा ये बालाजी यात्रा जो ये हमारे हनुमान जयंती के दिन निकलती है, और अभी 6 तारीख को निकली थी मुजफ्फरनगर में, मैं सच में अगर अपने दिल की बात बताऊँ ना तो मैं खुद चौंक के रह गया कि इतनी लंबी यात्रा और इतनी पब्लिक, बाप रे बाप, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। दोस्तों, शायद मैंने एक बार एक वीडियो पहले ही बोला कि इतनी पब्लिक एक जगह तो मैंने कावड़ यात्रा में भी नहीं देखी, जबकि कावड़ यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में क्या, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर ऊपर चलता ना कोई ट्रेन कावड़ यात्रा का तो हरिद्वार कावड़ यात्रा कहलाती है। लेकिन उतनी पब्लिक वहाँ भी एक जगह नहीं देखी जितनी पब्लिक मैंने मुजफ्फरनगर की सड़क के ऊपर यहाँ देखी है पूरे के पूरे 24 घंटे। तो दोस्तों, आज की मैं जो वीडियो शुरू करने वाला हूँ ना, आज की वीडियो में आपको जो दिखाने वाला हूँ, यात्रा के वो क्षण दिखाने वाला हूँ या वो डीजे भी दिखाने वाला हूँ जिन्हें कोई नहीं जानता। हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े चीजों के पीछे, बड़े बड़े प्लेस, बड़े बड़े नाम के पीछे भागते हैं। लेकिन इस यात्रा में ऐसी ऐसी झांकियां थी और ऐसे ऐसे डीजे भी थे जो नाम से उन्हें नहीं जानते आप ज्यादा, लेकिन वो अपना एक वजूद रखते हैं। तो आज की वीडियो मेरी उसी लेवल पे रहेगी कि कुछ ऐसी चीजें जो आपने नहीं देखी होंगी मैं उन्हें दिखाने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो में। तो चलो चलते शुरू करते हैं, बाबा जी का नाम लेके, जय बाबा हनुमान, जय बालाजी महाराज, जय बालाजी महाराज। शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। और दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का एक और मेन मकसद ये भी है कि मेरे पास ना बहुत सारे मैसेज आए। आप चाहें तो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ मैसेज बॉक्स में जाकर के उनमें देख सकते हैं कि उन लोगों ने बोला कि भैया आप भी दूसरों के जैसे हो क्या, आप भी बड़े बड़े डीजे की वीडियो डाल रहे हो, बड़े बड़े डीजे को दिखा रहे हो, आप हमारी वीडियो भी बना करके ले गए हो, आपने हमारी वीडियो नहीं डाली। तो मैंने उनको पहले दिन से ही बोला था कि भाई साहब मैं आपकी सबकी वीडियो डालूंगा, ये कमिटमेंट करके आया था मैं उन लोगों से। लेकिन क्या है कि स्टेप बाय स्टेप मैंने जैसे जैसे रिकॉर्डिंग करी, मैं जैसे जैसे भाई मैं दिन में गया था तो जो सबसे पहले आया मैंने उसको सबसे पहले दिखा, जो बाद उसके बाद मिला मैंने उसको दिखा, तो जैसे जैसे रूटीन में जो लोग आते चले गए मैं उन्हीं को दिखा रहा, मैंने इसके बीच में कोई चेंज नहीं किया। और मैं कमिटमेंट करके आया था कि मैं आपकी वीडियो भी डालूंगा, तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ आप लोगों की वीडियो भी। अब हम भी चलते हैं आपको यात्रा में लेकर के चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हमने दर्शन कर लिए हैं बाबा के, अब हम चलते हैं आपको पूरी की पूरी यात्रा दिखाते हैं जिसमें पूरी झांकियाँ होंगी, डीजे होंगे। आगे पहुँचते पहुँचते हम पहुँच जाते हैं कृष्णा डीजे, और ये यहाँ पर स्टॉप लेटा हुआ है, तो यहाँ आराम चल रहा है जब तक, क्योंकि रात भर काम करा तो पूरा आराम चल रहा है। तो दोस्त, जैसे अभी कुछ पता लगा था, रात भी मैंने बताया, बात करी थी डीजे वालों से कि पुलिस प्रशासन जो है वो सख्त पड़ा हुआ है, जो ये बाहर की बेस है ये उतरवाने की बात चल रही है। तो फिलहाल क्या डिसीजन निकला, किसान होते होते देखो क्या होता है। हाँ, नहीं तो दिक्कत आनी आनी है, ऐसा जब बज रहा था तो बजने देते यार, थोड़ी देर रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक बजता है। तो ये कृष्णा डीजे ओनर्स आप हैं इनके? जी गुजर गए। जी 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 जी, ये मेरे भाई का भाई, आपके बड़े भाई, बिट्टू नाम था उनका। तो ये सरधना बेस है जी। तो दोस्तों देख सकते हैं कृष्णा सरधना। और अगर दोस्त यहाँ की बात करें तो आपने इसे फिलहाल इस पे लगाया हुआ क्या क्या है? लाइनर लग रहे हैं। कितने लाइनर लग रहे हैं? 6 लाइनर लग रहे हैं, 12 बेस और 4 टॉप है, और 1, 2, 3, 4 सी आर भी लगी हुई है। 12 LED लगी हुई है, आइस भी लगी हुई है कुछ। और अंतर तो नहीं, वो तो सब है। तो कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग कि अभी किसी से कुछ फाइट कंपटीशन हुआ थोड़ा बहुत? अभी नहीं हुआ, उम्मीद करते होगा जरूर। हाँ, विश्वास है अपने आप पे? हाँ विश्वास है अपने आप, क्यों दोस्त, सारे स्टाफ को विश्वास है अपने आप पे कि हाँ हिला के रखेंगे, फाड़ देंगे छाती। हाँ इन बच्चे भी कराएंगे, असली सपोर्टर तो पब्लिक ही होती है भाई साहब, पब्लिक के बिना कुछ है ही नहीं। तुम्हारे ऊपर ही बैठे हैं ये लोग, यहाँ पे आए हुए हैं, तुम्हारा साथ मिलेगा तो इनकी हिम्मत बढ़ेगी, हमारा साथ रहेगा तो इन भाई को अगली बार भी बुलाएंगे, आगे बढ़ाकर बुलाएंगे सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों को जैसे बुक किया वो कौन लोग हैं, किसने बुक किया आपको? पार्टी बुक किया? नहीं, पार्टी ने तो बुक किया, किस सैनियों में से? ठीक ठीक ठीक। रॉक
पे लिखा हुआ क्या? बिट्टू बिट्टू ब्रो, एकदम से ऐसा लगा जैसा रॉक की फोटो लगी है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ कृष्णा डीजे है और पब्लिक यहाँ पर खड़ी हुई है। आई थिंक ये तो खैर वो कसाना डीजे वाली पार्टी है। आप लोगों की पार्टी किधर है? अंदर है, अंदर जहाँ रथ वगैरह निकला मंडी के अंदर। चलो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं। तो दोस्त कुछ आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं और ड्रापा डीजे। ये था कृष्णा डीजे सरदना। और दोस्तों चलते चलते हम पहुंच जाते हैं सोनी डीजे। ये भी सरदना का डीजे है, सोनी डीजे सरदना। तो लुक वाइज ये भी बहुत प्यारा लग रहा है और अच्छा लग रहा है डीजे। जब बजेगा क्या करता है ये तो समय बताएगा, लेकिन अगर लुक वाइज देखें हम तो सोनी डीजे भी एक अच्छा लुक दे रहा है। सीआरपी लगी हुई है और एलईडी लगी हुई है, बेस लगी हुई है, टॉप लगी हुई है, लाइनर लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ। और ये है सोनी सरदना। अभी सारे के सारे डीजे चुप हैं, लेकिन जब ये बजेंगे तो आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जब यहाँ से फॉक निकलेगी ना तो अलग ही नशा देगी और अलग ही आपको समा बांध देगी। तो ये है सोनी डीजे। बात करेंगे हम लोग अभी डीजे सोनी। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं यहाँ हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं। ये सभी बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे हैं और ये सारे सारे सब्सक्राइबर। जब ये वाली उम्र के बच्चे सब्सक्राइबर मिलते हैं ना तो फिर कोई रुक नहीं सकता, कोई आगे बढ़ने से किसी को रोक नहीं सकता। ये है, ये होती है यूट्यूब की जो पावर होती है ना, वो ये जनरेशन होती है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं हनुमान जी का जो स्वरूप ठहरा हुआ, उनसे आशीर्वाद लेने की भोड़ लगी हुई है लोगों में, भोड़ लगी हुई है। अभी तक सब लोग क्या थे हाथ मिला रहे थे, तो मैंने कहा अरे हाथ ना जाओ आशीर्वाद ही ले लो। तो सब लोग फिर अब आशीर्वाद लेने लगे। ऊपर ले चलो ऊपर 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 ऊपर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको यात्रा के कुछ और नजारे दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्रसाद वितरण हो रहा है और यहीं पर लगा हुआ ग्रैंथम डीजे। मैंने ये डीजे रात को भी कवर करा था जब ये लोग अपना सेटअप लगा रहे थे। ऑपरेटर से पंगा मत लेना। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है, आज की वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि बिना कटिंग के भी वीडियो कैसी होती है, बिना मिक्सिंग के, बिना एडिटिंग के। तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बिल्कुल रियल दिखाने की, बिल्कुल रियल, साउंड भी वही, सब काम वही। तो बढ़ते हैं आगे और चलते हैं और किसी डीजे के पास या किसी और सवारी किसी जाकी पर। दोस्तों रास्ते में जो तब दो सींग दिखाई दे लाइट वाले, तो मेरे अंदर का बच्चा बाहर आ गया और मैंने वो खरीद लिया। Thank you.
दोस्तों यहाँ मैं बैठा था अमर डीजे के टॉप पर, अमर डीजे के सेटअप के ऊपर। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो मैंने पर्सनली अलग से अपलोड की है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप ये वीडियो अलग से देख सकते हैं। तो यहाँ ज्यादा नहीं दिखाऊंगा मैं, क्योंकि ये वीडियो मैं दिखा चुका हूँ। बाकी यहाँ पर पब्लिक का हुजूम देखो कि इस टाइम चारों तरफ को पब्लिक ही पब्लिक है, और अमर के डीजे तो बहुत ज्यादा पब्लिक। दोस्तों दिन में मैंने दिखाया था जब ये लोग आराम कर रहे थे, तो मेरी वहां किसी से ना बात हुई थी ना कुछ, और अब बज रहा है डीजे सोनी। तो दिखाते हैं यहाँ पर डीजे सोनी।
डीजे करण वाल को आना पड़ा।
तो दोस्तों कैसा लगा मेरा नया एक्सपीरियंस? हाँ, आपके लिए मैंने बिना एडिट बिना कट के वीडियो डाली है, जो मैंने वहां पर देखा मैंने वो सब कुछ आपको दिखाने की यहां पर इस यात्रा में कोशिश की है। तो रात के बज चुके हैं 2, अब मैं यहां से मेरठ के लिए प्रस्थान करता हूं। तो मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो पर, एक नए प्लेस पर बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, जय बाबा की, जय बाबा की। दिल में है प्यार मेरा, होठों पे मितवा।